हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सादिया इजी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट डोनट की रेसिपी। ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग बच्चे के लिए मार्केट से लाने के बजाय घर पे इजीली बना सकते हैं। ये बच्चे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा एक चीज़ है और बड़े को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आटा है उसको लगा लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ली हूँ आधा कप चीनी पाउडर और लिया हूँ मैं एक कप गरम दूध। दूध को हमको थोड़ा सा गर्म ही इस्तेमाल करना है। और लिया हूँ मैं यहाँ पर एक चम्मच ईस्ट और ईस्ट को डाल के थोड़ा सा मिला दें। और अभी इसमें ऐड कर दे आधा चम्मच तेल और आधा मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है और ऐसे ही छोड़ देना है 5 मिनट तक। ये देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है, ईस्ट हमारा बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिव हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं एक चुटकी नमक और अभी जो बाकी तेल बचा हुआ था उसको भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें और अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर दूँगी इसके साथ। और अभी इसमें डाल दूँगी मैं मैदा। जो कप से मैंने दूध को नापा था उसी कप से मैदे को लेना है। 1 कप दूध के लिए 2 कप मैदा यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी थोड़ा थोड़ा करके मैदा को इसमें ऐड कर देना है और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले थोड़ा सा मैदा डालें और बाद में फिर थोड़ा और भी मैदा है जितना वो सब डाल दें इसमें। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाथों की मदद से डालें। ये बहुत ही ज़्यादा चिकट होता है क्योंकि ईस्ट की वजह से आटा बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा और चिकट है। तो थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लें। ये देख सकते हैं आटा हमारा गूंद चुका है। अभी इसको ढक दूंगी और ढक के इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी करीबन आधा घंटे तक। ये देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है हमारा और आटा हमारा कितना अच्छा से सॉफ्ट और एकदम मुलायम तैयार हो चुका है। ये देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है आटा। डोनट के लिए बिल्कुल परफेक्ट आटा बनके तैयार हो चुका है। तो अभी इसको मैं छोटे लोई तैयार कर लूँगी। जैसे मैं चपाती और पूरी के लिए लोई लेती हूँ उसी तरह से मैं लोई ले लूँगी और इसको ऊपर की तरफ से ऐसा गोल करते हुए नीचे ले लें और बिल्कुल ऐसा गोल तैयार कर ले। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा डोनट बनता है। और अभी इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर दें और अभी इसको थोड़ा सा राउंड शेप और थोड़ा सा इसको चपटा करके थोड़ा बड़ा कर ले। ये देख सकते मैं जैसा दिखा रही हूँ उसी तरह से आप करें, उसी प्रोसेस से बहुत ही अच्छा डोनट बन के तैयार होता है। तो ये देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना है, इससे भी बड़ा भी आप बना सकते हैं। तो अभी इसको डोनट की शेप दे देना है। इसके लिए मैं एक नोज़ल की इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास बॉटल की ढक्कन वगैरह है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नोज़ल को बीच में से कट कर लूँगी थोड़ा सा। ये देख सकते हैं ये बिल्कुल डोनट जैसा बनके तैयार हो चुका है। अब होल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। ये देख सकते हैं डोनट हमारा तैयार हो चुका है। इसी प्रोसेस से बाकी जितना ही वो सबको मैं तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते सब डोनट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी इसको करूँगी मैं फ्राई। तो फ्राई के लिए मैं जस्ट तेल को डाल के गैस को ऑन की हूँ। तेल को बहुत ही ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं किया हूँ। तो इसी वक्त एक एक करके डोनट को आपको इसमें ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा डोनट एक साथ आप फ्राई ना करें, जितना आपके कढ़ाई में आ जाए आप उतना ही डोनट को इस कढ़ाई में डालें और गैस को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही रखें, ज़्यादा हाई ना करें, नहीं तो ये अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, सिर्फ ऊपर से ही बनेगा। ये देख सकते हैं मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख के इसको फ्राई कर रही हूँ और ये जब तक ना ऊपर तैर के ना आ जाता तब तक इसको पलटना नहीं है। तो ये देख सकते हैं 3 डोनट मेरा ऊपर तैर के आ चुका है। तो इस तरह जब तक ना आ जाए तब तक आपको डोनट को कुछ भी नहीं करना है। ये देख सकते हैं 4th डोनट भी हमारा ऊपर आ चुका है। तो अभी इसी तरह से इसको ऊपर नीचे करते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक आपको फ्राई कर लेना है और ध्यान रखें गैस को आपको लो मीडियम फ्लेम पे रखना है, उससे ज़्यादा ना करें फिर डोनट जो वो जल सकता है। ये देख सकते हैं डोनट हमारा कितना अच्छा से फूल चुका है और लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है।
तो हमारा डोनट फ्राई होकर रेडी है। तो अभी इसको एक एक करके मैं टिश्यू पेपर में निकाल लेती हूँ। ये देख सकते हैं डोनट हमारा कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। तो अभी इसी प्रोसेस से मैं बाकी जितना डोनट है वो सबको फ्राई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं सब डोनट को मैं डाल दी हूँ। ये देख सकते हैं कितना अच्छा फूल के तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा और बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ डोनट। तो इसी तरह मैं जितना भी डोनट है वो सबको मैं फ्राई कर लिया था। और मेरे चैनल पे अगर आप आज नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देख सकते हैं डोनट हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी इसको मैं बिल्कुल जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक ऐसा ही छोड़ दूंगी। ये देख सकते हैं डोनट हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अभी इसके ऊपर चॉकलेट की लेयरिंग कर लेती हूँ। इसके लिए मैं अमूल का डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको अभी मेल्ट कर लेना है आपको चॉकलेट को। तो इसकी वजह से मैं पहले चॉकलेट को थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ और फिर इसको डबल बॉयलर मेथड में मैं करूँगी। तो ये देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है हमारा और इसके ऊपर अभी बाउल को बिठा देना है और बिठा के इसको आपको चम्मच की मदद से अभी लगातार हिलाते रहना है। उससे चॉकलेट जो है वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है और एकदम से अच्छी तरह से सब चॉकलेट एक साथ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं चॉकलेट हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो इसको गर्मा गर्म कोटिंग करना है, नहीं तो चॉकलेट जो है वो जम सकता है। इसकी वजह से ज़्यादा देर न करते हुए फटाफट इसको चॉकलेट को डिप कर लेते हैं। ये देख सकते हैं एक एक डोनट को आपको उल्टे तरफ ऐसा डाल के थोड़ा सा चॉकलेट लगा लेना है और जब तक चॉकलेट गर्म है तब तक ही इसके ऊपर आपको स्प्रिंकल डाल देना है। यहाँ पर मैं कलरफुल जो स्प्रिंकल है उसको ऊपर से डाल रही हूँ। इससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है दिखने में और बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी इसी तरह से मैं बाकी जितना भी है वो सबको चॉकलेट लगा लेती हूँ। ये देख सकते हैं पांच डोनट में मैं चॉकलेट लगा ली हूँ। अभी इसको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दे देते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी मैं कलरफुल वाला स्प्रिंकल इस्तेमाल कर रही हूँ और जो दूसरा है उसके ऊपर मैं व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, अभी उसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देती हूँ। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा बनके तैयार हो चुका है। तो आप लोग मार्केट से नहीं लाके घर पे इसको आपको इजीली बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे और बिल्कुल अच्छा होगा, घर का तेल का फ्राई किया होगा। तो इस डोनट की रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।